हेलो एवरीवन, आज मैं आपसे वेज पोहा कटलेट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे आप ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं या एज ए इवनिंग स्नैक्स भी बना सकते हैं, और ये काफ़ी हेल्दी ऑप्शन है। तो देखिए, वेज पोहा कटलेट के लिए मैंने यहाँ पर पोहा लिया है। आप पेपर पोहा जो पतला वाला आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, या मोटा वाला पोहा भी यूज़ कर सकते हैं। और देखिए, पोहे को मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी यहाँ पर, और इसे मैं रख दूँगी साइड में। और यहाँ पर मैंने आलू लिया है एक बोल में, आलू को मैं अच्छे से मैश कर लूँगी। बॉइल्ड आलू लिया है मैंने यहाँ, मैं इस तरह से इसे सारे आलू मैश कर लूँगी। और पोहा सॉफ्ट हो गया है तो मैं पोहा भी इसमें ऐड कर दूँगी। और यहाँ पर मैंने कुछ वेजिटेबल्स लिए कट करी हुई, आप अपनी पसंद की वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अनियन लिया है, ग्रीन चिली ली है, और कैरेट लिया है, कैप्सिकम लिया है मैंने फाइनली चॉप्ड, और यहाँ पर मैंने बीन्स भी ऐड करी है। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर बीन्स भी ऐड कर दी एकदम फाइनली चॉप करके। देखिए, यहाँ मैं सूखे मसाले डालूँगी, जैसे लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर भी ऐड करूँगी, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी ऐड करूँगी, और नमक भी ऐड करूँगी। देखिए, यहाँ पर मैं चावल का आटा भी ऐड कर रही हूँ। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं यहाँ पर बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी ऐड करूँगी, और यहाँ पर मैं नींबू का रस भी ऐड करूँगी। और मैं यहाँ पर चाट मसाला ऐड कर रही हूँ, और थोड़ी सी शक्कर, इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। देखिए, अब ये सारा मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से। देखिए, यहाँ मैं कटलेट बना रही हूँ, तो मैं इस तरह से यहाँ इसे सिलेंड्रिकल शेप में बनाऊँगी। आप चाहें तो इसकी टिक्की भी बना सकते हैं। देखिए, इस तरह से मैं सारे कटलेट प्रिपेयर कर लूँगी। तो देखिए, मैं सारे कटलेट इस तरह से यहाँ पर बना लिए हैं, और अब मैं इसे चावल के आटे में कोट करूँगी। तो देखिए, इस तरह से मैं इसे अच्छे से कोट कर लूँगी चावल के आटे में। तो देखिए, सारे मैंने अच्छे से कोट कर लिए हैं, और अब मैं यहाँ पर एक पैन रखूँगी, और पैन में ऑयल ऐड करूँगी। देखिए, जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें कटलेट रखूँगी। मैंने ये दो कटलेट अभी फ्राई करने के लिए रखे हैं, और अब मैं इसे यहाँ पर शैलो फ्राई कर रही हूँ। आप चाहे तो आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, या आप इसे बेक भी कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से मैं इसे सारी तरफ से अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो देखिए, ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं, कलर भी इनका चेंज हो गया है। देखिए, मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी। देखिए, फिर इसे मैं गर्मा गर्म ग्रीन चटनी के साथ सर्व करूँगी। तो ये बहुत ही जल्दी बन जाता है, और बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए, और बताइए कि कैसी बनी है। और ये वीडियो और रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।